हेलो भाइयों, वेलकम आपका हमारे चैनल में। सॉरी आज वीडियो बहुत लेट हो रही है, उसका रीज़न कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से आज वीडियो जो लेट आई है। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं अभी अपने खेतों पर हूँ और पानी चल रहा है खेतों में ट्यूबवेल पर, तो इस वजह से थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ जो है आपको आ रहा होगा उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। आज हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताना चाहेंगे जो कि इंडिया की नंबर वन स्किल यूनिवर्सिटी है और हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पलवल के दुधौला गांव में खुली है। तो अब जानते हैं इसके बारे में, तो पहले जानते हैं कि इसका नाम क्या है। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि इसका नाम है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पलवल के दुधौला गाँव में खुली है, जिसको हम FVSU हरियाणा भी कहते हैं। आप जैसे गूगल जाएंगे तो गाइस, मैं आज आपके लिए क्यों लेकर के आया हूँ इसके ऊपर वीडियो, क्योंकि इसमें अभी एडमिशन सेशन फॉर 2021-22 यानी नए सेमेस्टर्स के लिए जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप इसको अप्लाई कैसे करना है, आप गूगल जाएंगे, गूगल पर आपको सर्च करना है SVSU हरियाणा। सर्च करने के बाद आपको SVSU हरियाणा के साथ ये लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले जो लिंक आएगा वेबसाइट का, उस पर श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी लिखा होगा और ऊपर ये जो https://svsu.ac.in होगा, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप रिडायरेक्ट होंगे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो ये देखिए अभी लोडिंग हो रही है, सर्चिंग हो रही है, तो इसको सर्च हो लेने दीजिए जी, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। यह देखिए अब लिख रहा है कि क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो अभी 8 अगस्त इसकी लास्ट डेट है एडमिशन के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो 8 अगस्त तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि इसमें आगे कौन कौन से कोर्सेज हैं, इसका करने का प्रॉफिट क्या है। तो पहले बात करें हम श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की, तो ये एक डुअल एजुकेशन मॉडल पर काम करती है, डुअल बेस्ड एजुकेशन मॉडल पर काम करती है, जिसमें आप अर्निंग वाइल लर्निंग करते हैं। आपने बहुतों ने कंसेप्ट सुना होगा भाई, आपके पास बहुत लिंक्स आते होंगे कि अर्निंग वाइल लर्निंग, और जब आप उस लिंक पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो एक नेटवर्क मार्केटिंग है, MLM है, जिसमें आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और सीखने को आपको मिलता है, बट उतना कुछ आप कुछ गेन नहीं कर पाते और ना ही आप उतना सीख पाते हो प्रैक्टिकली। तो जो ये यूनिवर्सिटी आपको प्रैक्टिकली सिखाती है कि एक्चुअल में लर्निंग वाइल अर्निंग होता क्या है, या फिर अर्निंग वाइल लर्निंग होता क्या है, आप जानते हैं। अब जैसे ही आप करेंगे तो ये आपको लिखा आएगा श्री मनोहर लाल खट्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा जो हैं, इन्होंने इसका कंसेप्ट जो रखा था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इसका शिलान्यास किया था, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था ऑनलाइन मोड से। इसके जो वाइस चांसलर हैं वो श्री राज नेहरू जी हैं। सर का नेचर बहुत अच्छा है, सब हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, क्योंकि मैं भी इसी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ, तो अब आपको बताता हूँ कि आगे इसमें कौन कौन से कोर्स हैं और कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम कोर्स की बात करें तो अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ जैसे आप नीचे जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको लिखा जाएगा कि अप्लाई ऑनलाइन एडमिशन फॉर सेशन 2021-22। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज है। कोर्सेज की जानकारी के लिए आपको जो 3 लाइन्स हैं उन पर क्लिक कर देना है। उन पर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे एकेडमिक्स पर, एकेडमिक्स या फिर आप इसका प्रोस्पेक्टस ओपन कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस ओपन करने के लिए एडमिशन जो फॉर्म है उस पर जाना है, फिर उसके बाद एडमिशन ओपन 2021-22 जो राइट एरो है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको प्रोस्पेक्टस 2021 पर क्लिक कर देना है, आपको प्रोस्पेक्टस आ जाएगा। अगर प्रोस्पेक्टस आपको सिर्फ प्रोग्राम देखना है तो आप प्रोग्राम ब्रोचर पर जाएंगे। प्रोग्राम ब्रोचर पर जाने के बाद आपका जो प्रोग्राम ब्रोचर है वो ओपन होगा। अभी थोड़ा नेट स्लो है तो इस वजह से वो ओपन नहीं हो रहा है,
ये देखिए कोर्स डिटेल्स, ये आपका जो प्रोस्पेक्टस है कोर्सेज के लिए वो आ जाएगा। ये कैंपस कुछ ऐसा बनने वाला है आने वाले 1 या 2 साल में, तो ये कैंपस श्री विश्वकर्मा जी के देख सकते हैं, इसमें ये रथ के पहिए लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से, इसकी डिज़ाइन एक रथ की तरह इसकी डिज़ाइन की गई है। और मोस्टली जो इस कंसेप्ट पर ध्यान दिया गया है वो ग्रीनरी पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि आजकल सबको पता है कि भाई पॉल्यूशन की जो समस्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। इसमें इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी, CNG वाली बस चलाई जाएंगी, इलेक्ट्रिक कार्स भी परचेज कर ली गई हैं इन्होंने अपने ऑफिस जो इसके प्रोफेसर्स हैं VC सर हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक कार भी चलाई जा रही है, जिससे वो इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर सकें, पेट्रोल की कार ना करें। तो आप अब इन बातों को छोड़कर हम जानते हैं कि कौन कौन से इसमें कोर्स हैं और कौन कौन से कोर्स ऐसे हैं जिनमें हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और ट्रेनिंग कौन कौन सी कंपनीज में होती है। तो हम जानते हैं पहले डिप्लोमा का कोर्स जानते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी जानते हैं कि उसमें हम कैसे कैसे एडमिशन ले सकते हैं और उसकी फीस कितनी होगी और जब आप ट्रेनिंग पर जाएंगे तो आपको कितना स्टाइफंड मिलेगा। तो पहला जो कोर्स है वो डिप्लोमा ऑफ वोकेशन इन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th और 12th है। तो 10th है, आप 10th अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ईस्ट वेस्ट एक ऑटोमेशन एक कंपनी है जिसमें इसकी ट्रेनिंग होनी है, इसकी टोटल फीस जो है 24,000 है और स्टाइफंड जो है वो 7,000 है। ऐसे करके इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल जो है लिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी चलाए जाते हैं 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, अगर आपके पास स्किल है और उसके लिए आपके उस स्किल को प्रूव करने के लिए आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आइए यहाँ पर शॉर्ट टर्म कोर्स करिए। और शॉर्ट टर्म कोर्स करने के बाद जब आप एलिजिबल होते हो और जब यूनिवर्सिटी टीचर्स को लगता है कि हाँ आपका जो कोर्स है वो अच्छे से हुआ है तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो भी इंडियाज़ की नंबर 1 यूनिवर्सिटी श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी से। ये अगर आप इसमें एडमिशन पाना चाहते हो तो मैं एडमिशन का भी पूरा वो बता देता हूँ कि आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो अभी जैसे मैंने बताया था ये देखिए आप यहाँ जाओगे, ये अप्लाई ऑनलाइन एडमिशन फॉर सेशन 2021-22 पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अभी हम रिडायरेक्ट होंगे स्टूडेंट लॉगिन CSE के थ्रू। अगर आप CSE के थ्रू करना चाहते हो तो गाइस इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, ये जो मेरी मेल है ये मेल मेरी नहीं है एक्चुअल में, ये किसी और बंदे की मेल है। वो अभी उसने मेरे से एडमिशन के लिए बोला था तो उसकी मेल जो है मैंने अपने फ़ोन में, इसको इग्नोर करिएगा, इसके पास कोई मेल ना करें प्लीज़ गाइस। आप कैप्चा जैसे भरेंगे या फिर अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर जैसे जाएंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप रिडायरेक्ट होंगे। उसके बाद आपको ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है पढ़ लेनी है, उसके बाद आपको ये एग्री कर लेना है, अगर आप एग्री हो तो एग्री करके ओके कर देना है, अपनी डिटेल्स जो है भर देनी है और उसके बाद रजिस्टर करके अप्लाई कोर्स करके आप जिस कोर्स में चाहें एडमिशन ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी कि नहीं, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, थैंक यू सो मच।